अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पालक पनीर की रेसिपी। ये बहुत ही अच्छा बनता है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है पानी, इसको बॉईल करना है। फिर यहाँ पर पालक ली है और इसको अच्छे से साफ करके वॉश कर लिया है, पत्ते तोड़ लिए हैं। और अब इसको हम लोग बॉइलिंग वाटर में डालेंगे और इसको हमें ब्लांच करना है हमारी पालक को। तो बस इसको थोड़ा सा 30 सेकेंड्स के लिए अप्रॉक्स पानी में डालेंगे और बस इसको फिर निकाल लेंगे इसमें से। और निकाल करके हमें इसको बिल्कुल ठंडे पानी में डालना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ठंडे पानी ले लिया है एक बाउल में, और बस इसको फिर ठंडे पानी से निकाल लेंगे और इसको पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पॉट में तेल ले लेंगे और इसको गर्म करेंगे। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 मीडियम साइज की अनियन लिए, इसको चॉप कर लिया है। और यहाँ पे पनीर लिया है, इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। और बस अब ये देखें, हमारा तेल हो चुका है अच्छे से गरम। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे जीरा। यहाँ पे खड़ा जीरा लें और फिर इसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड की हुई अनियन। और इसको हमें अच्छे से भून लेना है, इसको हमें गोल्डन फ्राई करना है प्याज को। ये हल्की सी फ्राई हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए, थोड़ी सी फ्राई हो गई है। अब इसमें 1-1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और फिर इसको भून लेंगे अच्छे से, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए। और इसको इस तरीके से भूनेंगे। फिर यहाँ पर मैंने कुछ सूखे मसाले लिए हैं, तो ये देखें, ये पाउडर स्पाइसेस हैं। यहाँ पे मैंने लिया है जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्चा। और यहाँ पे मैंने टमाटर और हरे मिर्चे की प्यूरी बना ली है। और ये मैंने पालक भी पीस ली है जो ब्लांच करी थी हम लोगों ने। देखिए कितना अच्छा सा ग्रीन कलर आया है इसका। और बस ये देखिए, हमारी प्याज जो है ये अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम लोग टमाटो प्यूरी, तो इसको ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी पॉइंट पर हम लोग ऐड कर देंगे नमक, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से जो भी पानी है वो छोड़ दे और यहाँ पे अच्छे से भुन जाए। तो अब इसको इस तरीके से भून लेंगे और इसका पानी सुखा लेंगे। और तेल जब थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो अब इसमें ऐड कर देंगे पाउडर स्पाइसेस। तो ये देखिए, पाउडर स्पाइसेस ऐड करें इसमें और इसको फिर से भून लें। और बस ये देखिए, ये भून चुका है हमारा मसाला और तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम लोग पिसी हुई पालक। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। सो इसको इस तरीके से मिक्स करें सारे मसाला अच्छे से। ये देखिए, इसमें तेल थोड़ा सा ऊपर आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे चीनी। चीनी से एक अच्छा सा टेस्ट आता है, बैलेंस हो जाता है टेस्ट। तो यहाँ पे चीनी ज़रूर ऐड करें। और फिर इसमें हमने ऐड करी है फ्रेश क्रीम 1/2 कप। आप चाहें तो घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। और बस इसको भी मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के लिए। और अब इसमें जो पनीर के क्यूब्स हैं इनको ऐड कर दें और फिर से मिक्स कर लें इसको। अब इसमें हम लोग थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड करें। इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक रहती है, तो मैंने थोड़ा ही सा पानी ऐड करा है। और बस इसमें बॉईल आने दें और धीमा आंच पे तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको पकाएं। और यहाँ पे मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। तड़के के लिए यहाँ पे मैंने तेल लिया है और इसमें ऐड कर देंगे प्याज, लाल मिर्चे और ज़ीरा। और इसको अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। आप चाहें तो घी से भी तड़का लगा सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और बस इस तड़के को हम लोग पालक पनीर के ऊपर डाल देंगे
और फिर इसको बंद करके रख देंगे फिर से 5 मिनट के लिए और बस फिर इसको सर्व करें। हमारा बहुत ही डिलीशियस पालक पनीर बनके तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।